दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम एक बार पहले भी पटना आ चुके हैं 2018 में। तो उस समय हम क्या बिल्कुल खुले में प्रमोशन किया था, हम आ रहे हैं। अब तो क्या तीन रात बोलते हैं आऊंगा, लगा था स्टूडेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, बट डेफिनेटली हम बहुत खुश है, मतलब ऐसा रेस्पॉन्स देखे, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपके आज एक विशेष दिन है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, तो मैं बस कुछ लाइन बोलना चाहूंगा कि टीचर्स डे पे एक बहुत ही आकर्षक दुर्घटना हो गई, हम आपके बिहार, आप हमारे पटना होंगे। और जो भी मैं बोलूं, इससे पहले कुछ चीज क्लियर करना चाहूंगा, इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी। यहाँ में से कोई एक पीडीएफ वाला जो क्लास का मैं के WWE का शाम को 4 बजे मेरी तरफ से अंकित सर लड़ेंगे। तो कैसे हैं आप सभी? हम लोग सभी शानदार हैं, जानदार हैं, ईमानदार। तो जैसा कि अंकित सर ने बताया, मुझे एक टॉपिक दे दिया, आपको तो इसी पे बोलना है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। बैचलर्स के ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। तो आप कितनी लॉन्ग लेंथ पर ही बॉल फेंके हमें पता है, और ज्यादा टाइम तक आप भी नहीं बचोगे, हमारी शादी करवा के आप अकेले घूम रहे हो। तो सबसे चलो बाकी बातें बाद में, सबसे पहला सवाल ये है, शादी कब करोगे? आपको मेरी खुशी बता भी हो रही है, आपने 4 साल हमारे पीछे पर पुरा गए, हमारे तो करवा दिया, और आप ये बात है। शादी भी होगी, बच्चों का प्यार होगा तो होगी। जैसे आप लोगों को पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे वो NTPC हो या ग्रुप डी हो, और आप लोगों को पता है, मतलब सर कर लीजिए, यहाँ भी माहौल आपका, वहां भी आपका। तो हम लोग बात करेंगे रेलवे एग्जाम्स की। तो देखो, सबसे पहले तो ये मत सोचो कि अगर आप लोग की नौकरी लगी तो आपने करनी है, आपने सबने बहुत मेहनत कर रखी है, मतलब 2 साल में, मतलब सर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस हो, जीके हो, आप लोग बहुत 2-3 बार पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये आती है सर, अभी हमारी नौकरी लगे, और जब तक आपकी नौकरी लगती है, समाज आपको ऐसा देखता है कि भैया वो पढ़ लेना कहीं और जाता है, देखो उसको। तो ये तो देखो, हमारा कुछ सिस्टम भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि समय समय पर पेपर नहीं होते, वैकेंसी नहीं होती, तो इस समय पर अपने आप को मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोगों को तो रिजल्ट मैटर करता है, समाज ये देखता है कि भाई नौकरी लगे नहीं लगे, पेरेंट्स ये देखता है कि भाई कब हमारा बच्चा नौकरी लगेगा। लेकिन आप लोगों को एक बात दिमाग में रखनी है कि ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये सबके साथ में कॉमन है, मतलब ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर इस विशेष स्टूडेंट के साथ में कि सर मेरा पेपर हो गया, रेस्पॉन्स शीट में कुछ गलत दिया है मैं, या फिर सर टाइम पे पेपर नहीं हो रहा, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ में कॉमन है। तो इस चीज में सबसे बड़ा जो रोल अदा करता है, वो करता है आपका पेशेंस, यानी आपका धैर्य। क्योंकि पेशेंस अगर नहीं है तो, क्योंकि देखो ये मान के चलो, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो, 3 साल मानो मैं तो, एक आप कितने ब्रिलियंट क्यों ना हो, चलो आप बोलो सर मैं तो पहले